मुझे कितना समय लगेगा कार की लोकेशन पता लगाने में। अधीरता करने से कोई भी काम जल्दी नहीं हो जाता है छोटे बालवीर। ये तो काजू है, काल का वाहन। ये ड्रैगन तो अकेले ही उड़ रहा है, इसका ड्राइवर काल कहाँ है? यदि अग्नि भेड़ यहाँ है, इसका मतलब काल भी इसके निकट ही होगा। अनंत पुस्तकालय में है काल इस समय, लेकिन इतने सालों तक कैद में रहने के बाद भी ये काल लाइब्रेरी में क्या करने गया है? काल अनंत पुस्तकालय में बाकी 6 ब्रह्मांड में जो उसके हम शक्ल है उन तक पहुंचने का रास्ता मिल जाएगा। तो चलिए वाल्परी, काल को बेस्ट रीडर का अवार्ड दे देते हैं और उसे वापस हमेशा के लिए फ्रीज कर देंगे। जो किसी ने भी नहीं किया वो हैप्पी पांडे कर गए और तेजस पहलवान को पटक दिया। भाभी पूरा अलमारी उठा लिया। लल्ला क्या हुआ, अभी तक सोया का है नहीं? बहुत रात हो गई है। सो जाएंगे माँ। लल्ला क्या हुआ? माँ हमें आपसे कुछ बात करनी है। हाँ तो बोल। माँ आपको तो पता है ना, हम भैया भाभी से कुकी पुकी से अपनी जान बचाने के लिए छोटा मोटा हल्का फुल्का जो बोल ही लेते हैं, जैसे कि उस दिन भैया का पीला वाला शर्ट इस्त्री करते हुए हमसे गलती से जल गई थी, और परसों पुकी का आइसक्रीम हम अकेले ही चट कर गए थे। भाभी के मायके वाला पंखा साफ करते हुए हमसे गलती से टूट गया था। अब ये सारी बातें हम उनको तो नहीं बताए, लेकिन माँ हम आपको सब बताए है ना? जानते हैं पर अब आधी रात को हमको काहे बता रहा है ये सब? माँ ताकि आप ये जान जाए कि आपका बेटा किसी और के साथ तो 19-20 कर सकता है, लेकिन अपनी माँ के साथ एकदम शुद्ध देसी घी जैसा है, खालिस बिना मिलावट। जानते हम जानते हैं सब, इसलिए अब हम आपको जो बता रहे हैं वो पूरा सच। आप ध्यान से सुनना माँ। माँ थोड़ी देर पहले हमने अपनी छोटी उंगली से अलमारी को हिला दिया था, फिर आज सवेरे कुश्ती के मैदान में उस पहलवान को पटक दी। अब भाभी तो हमें हल्के में लेती है, लेकिन हमें पूरा विश्वास कि आप हम पर पूरा भरोसा करेंगी। लोग कह सकते हैं कि हम जवान हो रहे हैं तो हमारे बाजुओं में ताकत बढ़ रही है, लेकिन हमें कुछ अजीब लग रहा है। ऐसा लगता है कि जरूर हमारे अंदर कोई अलौकिक शक्ति आ गई, एकदम भौकालिक टाइप की। माँ अब आपको क्या लगता है? माँ अरे माँ आप कुछ बोल क्यों नहीं रही है? माँ हम आपको सब सच सच बता दीजिए, अब आप हमसे नाराज ना हो जाइए। कोई हमें हल्के में ले रहा है तो कोई सच सुन के सो रहा है, कैसे और किसे यकीन दिलाए हम अपने भौकाल का। और कोई है? काल अब तुम्हारा मिनी एडवेंचर खत्म हो गया है, इसलिए चुपचाप बाहर आ जाओ। काल को चुनौती कौन है ये? क्यों
क्योंकि तुम जिस बालवीर की शक्ति का छठवां हिस्सा लेकर इतना ओवर एक्साइटेड हो रहे हो। मैं उसी बालवीर का फुल वर्जन, और मेरे साथ दो दो शौर्य है और बालपरी भी है। तुम्हारे भागने का चांस जीरो है, तो इसलिए ज्यादा हीरो मत बनो और चुपचाप सरेंडर कर दो, या तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। आंटी प्लीज आप हिम्मत रखिए। कैसे हिम्मत रखूं अनन्या, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि देवू हम सबको छोड़कर चला गया। मुझे ऐसा लगता है जैसे वो कहीं आसपास ही है और अभी मुझे वहां पुकारते हुए आएगा। आंटी अपने बच्चों के लिए आपको खुद को स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा, प्लीज उनके बारे में सोचिए। विवान कहाँ है? आंटी विवान वो देबू की सिस्टर से मिलने गया है, मैं आपको यही बताने आई थी। अब तो मुझे तभी चैन मिलेगा जब मैं देवू की आत्मा की शांति के लिए पूजा पूरी करवाऊंगी। इसलिए मैं दिवाली जी के साथ कानपुर जा रही हूं। देवू मेरा भी बेस्ट फ्रेंड था आंटी, प्लीज मेरी तरफ से भी आप उसके लिए प्रे करना। सॉरी आंटी, विवान द्राक लोक में है, ये सच मैं आपको नहीं बता सकती। मैं अच्छा बोला किताबों पर धूल की तरह जमा हुआ छुपा पड़ा था, लेकिन महामहिम काल के कारण खतरे में पड़ गया। लेकिन मैं मौका मौका हूँ, कोई घून नहीं हूँ कि गेहूं के साथ पीस जाऊं। इतना कहना चाहता हूं कि मेरे जाने के बाद अपना और इस धरती का ख्याल रखना। मेरे देवू भैया की शक्ल में ये हैवान। अच्छा हुआ काल, तुम जल्दी समझ गए कि सरेंडर करने के सिवाय तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। इससे पहले काल ने कभी आत्मसमर्पण नहीं किया है, इसलिए हमें चौकन्ना रहना चाहिए। छोटे बालवीर आप निश्चिंत रहिए स्वर्ण शौर्य, अगर जरूरत पड़ी तो हम काल से युद्ध करने के लिए भी तैयार हैं। युद्ध? परछाई को तो अंधेरे में पकड़ा जा सकता है, लेकिन काल वो बोला है जिसे खुद मौत भी नहीं पकड़ सकती।
गए चाचू को गए हुए। हमको तो मालूम पड़ रहा है कि चाचू जबरदस्ती किसी को रोड क्रॉस करवाने में बिजी हो गए होंगे, या फिर उनके दिमाग में एक दुर्लभ आइडिया आया होगा और वो आइडिया के चक्कर में हमको यहाँ बैठा कर भूल गए। अरे नहीं कुकी, हमें लगता है चाचू हमारे लिए कुछ खाने का सामान लाने गए होंगे, इसलिए उनको देरी हो गई। तुम है ना ज्यादा चाचू के चमचे मत बनो, समझे? शर्त लगा लो, एक घंटे बाद चाचू को याद आएगा कि हम दोनों यहाँ बैठे हैं। ठीक है, लगी शर्त। अगर चाचू हमारे लिए कुछ खाने का सामान लेकर आए तो तुम्हारा हिस्सा भी मेरा, और अगर वो नहीं लौटे तो आ गए तुम्हारे चाचू। ये लो, हम तुम्हारे दोनों के लिए ये चांदी दास लाए। अरे चांदी दास नहीं होता है चाचू, कांडी फ्लास। हाँ वही, ये लो। अरे मेरा भूल गई क्या? तुम शर्त हार चुकी हो और शर्त के मुताबिक तुम्हारा कैंडी फ्लास मेरा हुआ। चाचू देखो ना। हमका पता था कि तुम दोनों सर जरूर लगाए होंगे, इसलिए हम तुम्हारे लिए एक एक्स्ट्रा कैंडी फ्लास लाए हैं। लो। इका चाचू, अब हमारी शर्त जीतने का मजा आधा कर दिए, अब दो कैंडी फ्लास खा के हमें मजा थोड़ी आएगा। एक आप ले लीजिए। अभी नहीं, पहले हम भगवान जी से कच्चे बातें करके आते हैं, फिर हम साथ में खाते हैं, ठीक है? तब तक यहीं पे बैठना और शर्त मत लगाइयो। नहीं लगाएंगे, लेकिन आप 10 मिनट में आ जाना, हमको वेटिंग करना अच्छा नहीं लगता। हाँ हाँ माँ डिप्टी कलेक्टर, हम 9 मिनट में वापस आ जाएंगे। अरे चाचू बीना, विवान तुमने उस पर वार क्यों नहीं किया, उसे रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? बालपरी, उसका चेहरा पार्टनर से मिलता है, और जब वो मेरे सामने आया था तो मुझे ऐसा एहसास हो रहा था कि मेरे सामने काल नहीं, मेरे सामने मेरा पार्टनर खड़ा। हाँ बापी बताइए कि जिसका चेहरा पार्टनर से मिलता हो, मैं उस पर कैसे वार कर सकता हूँ? होश में आओ विवान, अब तुम्हें भी अपने पार्टनर की तरह ही सोचना होगा। एक बालवीर की जिम्मेदारी है दुनिया को बुराई से बचाना, और अब ये काम तुम्हें ही करना है। मैंने कहा था कि काल बहुत ही चतुर है, अब हमें भी चतुराई दिखानी चाहिए, और सबसे पहले उन सारे हमशक्लों को सुरक्षित करना चाहिए जिन पर काल हमला करने की कोशिश करेगा। भले ही काल हमारी आंखों में आग झोंक कर गया है, लेकिन मेरे पास अभी भी एक आइडिया है जिससे हम उसे कैप्चर कर सकते हैं। देवी जी पूजा संपन्न हो गई, प्रार्थना यही है कि भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। ये लीजिए, इसे गंगा नदी में विसर्जित कर दीजिएगा। ये धागा पीपल पर बांध दीजिएगा, इससे दशकात्र की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। तू मेरा बेटा है देबू, क्या हुआ देवी जी, पूजा पाठ में कोई कमी रह गई क्या? पूजा तो पूरी हो गई, लेकिन फिर भी न जाने ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं किसी बुरे सपने में हूं, और जब मैं जागूंगी तो मेरा देवू मेरे सामने होगा। माँ के मोह का बंधन सबसे आखिरी में टूटता है, लेकिन आप ढाणस रखिए देवी जी, जीवन मरण का चक्र हम सबके लिए होता है, और अंत में सबको परमात्मा में विलीन हो जाना है। तो मैंने जो अनुष्ठान करने के लिए कहा आप उसे पूरा कीजिएगा, भगवान आपके पुत्र को सदगति प्रदान करेंगे। हनुमान जी, कल से हम थोड़ा कंफ्यूज आ गए, अब पहले हम उस पहलवान को पटकने दे दिए, फिर इतना भारी अलमारी वो भी उठा ली,
लेकिन जब वो 10 किलो का पत्थर उठाने की कोशिश करते हैं तो वो उठा भी नहीं पाते। आखिर ये सब हमारे साथ हो क्या रहा है? अब कहीं हमारे अंदर कोई भूत भूत तो नहीं घुस गया है? अब देखिए, आप संकट मोचन है, आपको सब पता होता है, तो हमारे ऊपर जो भी संकट है ना, आप उसे जल्द से जल्द हल दीजिए, ठीक है? ये प्रसाद लाए हम आपके लिए, ये लीजिए। है ना? और एक बात, अब ये तो हुई हमारी बात, अब हमारे फैमिली की बात। ये हैप्पी वेडिंग प्लानर है, हमारा फैमिली बिजनेस है, आपको तो पता ही होगा। हम चाहते हैं कि आप हमें 9-10 शादियों का ऑर्डर दिलवा दीजिए, ज्यादा नहीं, ताकि वो घुसट गोल्डी है उसका 1,10,000 रुपया बकाया पैसा हम उसे जल्द से जल्द लौटा दें, और ये टेंशन हमारे परिवार के ऊपर से जल्द चला जाए। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हर रोज आपको एक ये मोतीचूर लड्डू के डब्बा आपको भेंट में चढ़ाएंगे, ठीक है हनुमान जी? अब यहाँ पे रखते हैं, ये लीजिए। अरे अरे, एक मिनट आते हैं। काल, अब इस किताब में आप क्या ढूंढ रहे हैं? ओ आपने अपने 6 हमशक्लों का कच्चा चिट्ठा खोला, आप इन रंगीन बिल्लों का इतिहास खंगाल रहे हो, क्या मैं पूछ सकता हूँ आपका इरादा क्या है? ओह, अच्छा, आखिर ये श्वेत शौर्य मेरे ब्रह्मांड में आया कैसे? कैसे मतलब? आकाश द्वार के रास्ते से। तो कहाँ है वो आकाश द्वार? क्योंकि उसी आकाश द्वार की मदद से हम भी इस ब्रह्मांड से बाहर जाएंगे। ओ, अच्छा। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि ऐसा करना खतरनाक हो सकता है? वो सफेश्वर और उसके साथी आकाश द्वार पर घात लगाकर बैठे होंगे आपका इंतजार करते हुए। काल का इंतजार तो सदियों से पूरा ब्रह्मांड कर रहा है, मगर काल को इंतजार है बस अपने 5 हमशक्लों से मिलने का। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल।
Click the show links and enjoy watching the videos.